वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ जिसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पर वुमेन ऑन व्हील्स के नाम से ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किया गया है, जो कि सलमान सूफी फाउंडेशन के और इंटरलूप के तावन से स्टार्ट किया गया है, जिसमें फैसलाबाद की गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मोटर बाइक और स्कूटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, आज हम मिलेंगे इनके ट्रेनर से और मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर करेंगे, और आपको वो बताएंगे कि आप किस तरह से इस कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, यूनिवर्सिटी से है, या इंटरलूप से है, किसी भी फैसलाबाद के किसी भी एरिया से आपका ताल्लुक है, तो आप इन्हें क्या ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मैं आपको इनकी ट्रेनर से मिलवाऊंगी और उनसे हम कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछेंगे बाइक और स्कूटी के टिप्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये कैंप कितना टाइम हुआ स्टार्ट हुए? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया कैंप को स्टार्ट हुए। सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 19 से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी हमारी, जो हम क्लासेस डिलीवर कर रहे थे, जो बच्चियां हमारे पास हैं। मैम, इस टाइम आपके पास कितने बैच जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं? हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी फर्स्ट बैच ही किया है 15 डेज़ का, जिसमें ऑलमोस्ट 40 अबव लड़कियाँ यहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारा बैच है वो 50, 25 फॉर मॉर्निंग, 25 फॉर इवनिंग सेशन से चल रही हैं, और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक वो भी यहाँ से रुक जाएंगे। ओके मैम, इसमें आप हमें ये बताएं कि अगर फैसलाबाद की कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जो बार बार पूछ रही हैं कि हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं या हम किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यू नो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैक्स वगैरह और इस तरह सी एडवर्टाइजमेंट जो है वो की गई है, लेकिन बाकी गर्ल्स जो हैं जिनकी एक्सेस नहीं हो सकी, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है, तो वो किस तरह से आपको ज्वाइन कर सकती हैं आप? बेसिकली तो ये यूनिवर्सिटी जनरल पब्लिक और इंटरलोपियंस के लिए था। अगर आप जनरल पब्लिक से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आप जीसी वूमन से भी नहीं हैं और इंटरलोप से भी नहीं हैं, देन आप सिंपल www.salmansufi.foundation.com पे जाएं, वहाँ पे जाके आप इस पर प्रॉपर सर्च कर सकते हैं, और आप वहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशन आएंगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जीमेल आएगी, आप मेल के ज़रिए कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, फ़ोन नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप हैं वुमेन से, जिसी वुमेन से, तो देन आप ये आराम से यूनिक के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं यूनिक के थ्रू, और इंटरलोपियन तो इंटरलोप के थ्रू और इंटरलोप के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ओके मैम, आप हमें ये बताएं कि आपका ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यू नो हमारे जैसी सोसाइटी के अंदर जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए बाहर निकलना, और ये आपने किस तरह से स्टार्ट लिया, बाइक चलाना किस से सीखी आप? आपका क्वेश्चन मुझे खुश कर गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ, गालबन 2016-17 के दरमियान मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया है अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। बेसिकली मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप जानती हैं कि यहाँ पे स्पेशली इन फैसलाबाद ये बिल्कुल भी नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं थी। बाबा ने मुझे बाइक सिखाई, साइकिल तो मैं शुरू से रन करती थी, बाइक के बाद मैं आई स्लोली स्लोली मोहल्ले में स्टार्ट किया, तो बहुत सी मुझे यू नो के लोग टाउन करते हैं, उसके अलावा बहुत सिकमेंट पास किए गए, और फिर मुझे फील होना शुरू हुआ कि रिदा आप ऑन रोड अकेली अच्छी नहीं लग रही। देन मैंने अपने साथ कज़न को रेडी कर लिया, देन फ्रेंड्स आ गई, ऐड करते करते ऑलमोस्ट हमारी कलोनी से 16-17 बच्चियाँ ऐसी होगी जो बाइक चला रही थी। उसके बाद ये 2019 से ऑनवर्ड मैंने फैसलाबाद में मुसलसल लड़कियाँ देखनी शुरू कर दी। लेकिन अब मेरी ये विश है कि आने वाला एक साल फैसलाबाद में मुझे बहुत ज़्यादा ख़वातीन देखने से मिले, इसलिए ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पाएँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सीख सकती हैं। जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि उनके पास बाइक नहीं है पहले से मौजूद, वो नहीं सीख रही, वो कहाँ से सीखे, ये बहुत सी क्वेश्चनिंग होती है लड़कियों की, तो वो यहाँ पे आए, बाइक हम आपको दे रहे हैं, सिखा हम रहे हैं, टोटल फैसिलिटी, आप यहाँ पे ऑन ट्रैक निकलेंगी, ऑन रोड निकलेंगी, देन हम आपको फ्री करेंगे। अच्छा, अगर
अब बाहर निकलती हैं, ऑन रोड चला रही हैं, माशाल्लाह एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हैं, तो आप जब रोड पर चलाती हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कमेंट्स हैं वो तो सुनने को मिलते होंगे, तो आप उन कमेंट्स को किस तरह से डील करती हैं? मैम ये आप इग्नोर कर देती हैं या फिर आप उनका जवाब देती हैं? देखिए, मैंने रूमी साहब का एक फिकरा पढ़ा था कि बेहतरीन लोग वो हैं और समझदार लोग वो हैं जो किसी भी ऐसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनके ज़र्फ के मुताबिक ना भी हो। तो बिल्कुल अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है जब आपने बाहर निकलना है, तो हम नज़रअंदाज करते हैं। अब कोई आ रहा है आपसे कह रहा है वाओ माशाल्लाह, तो आप आगे से क्या करेंगी? जज़ाकअल्लाह। और देन अगर कोई कह रहा होता है भाई क्या बात है, क्या बात है, अब क्या हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बस स्माइल पास करें और आगे निकल जाएं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि फैसलाबाद में स्माइल पास करने वाली भी गलती आप ना करें, वो आपके पीछे ही आ जाएंगे। और इस कहने का मतलब ये है आप उन्हें इग्नोर करें। जी बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा बाइक का वेट कैरी करना और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेक्निकल चीज़ें, तो आप अपनी कैंडिडेट्स को, अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी ट्रेनर्स को किस तरह से ट्रेन करती हैं? उनसे कोई अल्लाह ना करे इंजरीज हो सकती हैं, सीरियस हो सकती हैं, कुछ इस तरह का अभी तक नो मैम, बेसिकली इंजरी बंदे को तब होती है या जो भी चला रहा है जब वो टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करता। टेक्निकली वे से आप जाएंगे तो बाइक को पहले देखते हैं, और हमारा यहाँ पे जो हमने कैंप स्टार्ट किया हुआ है इसमें बेसिकली 4 to 5 days सिर्फ हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं। मेंटली प्रिपेयरिंग ऐसे की जाती है कि क्लच पे फोकस करवाया जाता है, ब्रेक्स पे फोकस, और जब भी कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं बच्चियाँ तो उनके जहन में फ़ौरन से आता है भाई मैम ने क्या बताया था, ब्रेक लगानी है, क्लच दबाना है, आप इमरजेंसी ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकली वे से हम प्रिपेयर करते हैं, हम बिल्कुल वही तक्के जो नहीं करते बच्चों के साथ, बैठ जाओ स्टार्ट करो, नहीं, 5 to 6 days उनको प्रिपेयर किया जाता है आने वाले वक्त के लिए, और जब मेंटली इंसान प्रिपेयर वो ईजिली ये काम कर सकता है। मैम मुझे सुनने में आया है कि आपने टीचर्स भी अपने ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, उसके अलावा जो है हेलमेट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, तो उसके अलावा क्या आपका प्लान है कि स्कूटीज़ और बाइक्स भी आप इस प्रोजेक्ट के बाद दे रहे हैं? बेसिकली मैम टी शर्ट्स हमने दी हैं एज अ यूनिफॉर्म गर्ल्स को, के कुछ दुपट्टा वेयर नहीं कर रही होती, तो एज अ डिफरेंट कुछ वो आए जाएँ, एक बेस्ट मोटिवेशन निकले फैसलाबाद वूमेंस के लिए। और हेलमेट एज अ फर्स्ट सेफ्टी हमने प्रोवाइड किए हैं ईच एंड एवरी बच्ची को, ये दिया जा रहा है ताकि उन्हें आदत हो के आपने जब रोड पे निकलना है सेफ एंड साउंड जाना है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, इंटरलूप की तरफ से ये प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं इनमें वो प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरलूपियन, तो देन यही है कि इंटरलूप प्रोवाइड करेगी अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें वो स्कूटीज और मोटरसाइकिल जिस पे भी वो एग्री करें तो वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में अभी कंफर्म होना नहीं है कि जनरल पब्लिक को मिले या यूनि वालों को, लेकिन इंटरलोपियन के लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें मिलेगा। वेलकम, थैंक यू सो मच मैम। और ये आपके पास ये स्कूटी है जिस पर आप ट्रेनिंग देती हैं, और ये आपके पास बाइक है? जी बिल्कुल। आप हमारा हेलमेट भी देखें मैम, ये इनका हेलमेट है और जो कि इन्होंने अपने ट्रेनिंग्स को भी प्रोवाइड किए हैं, और बहुत ही खूबसूरत हेलमेट है, और इसका जो है इंटरलूप का लोगो है, और वुमेन ऑन व्हील्स सलमान सूफी फाउंडेशंस का भी है, सलमान सूफी फाउंडेशन का लोगो भी है। और मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी, ठीक है स्कूटी का ये है, स्कूटी के अंदर गियर नहीं है जी, क्लच का सिस्टम नहीं होता एज कंपेयर टू बाइक, तो आप कौन सी ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड कर रही हैं, या सिर्फ एक ट्रेनिंग जो कैंडिडेट विनिंग होता है तो आप उसके मुताबिक जो है स्कूटी या बाइक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर दोनों प्रोवाइड करते हैं, पहली कौन सी ट्रेनिंग? बेसिकली मैम आपको पता है कि कुछ भी चीज़ें आपने सीखनी हो उसकी पहले बेसिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं, इसी तरह आपने स्कूटी चलानी है या कुछ और अच्छी बाइक ड्राइव करनी है उसके लिए बेसिक आपको बाइक आनी चाहिए, जो आपकी 70 हो सकती है या कोई भी आप ले सकते हैं, जो 70 cc होती है हम उसी पे ट्रेनिंग देते हैं, देन आप कोई भी बाइक कंट्रोल कर सकते हैं इसके बाद। और इस तरह पहले हमने अगर स्कूटी की भी ट्रेनिंग देनी है हम विद इन 13 days बच्चियों को बाइक सिखाते हैं, 2 days ऑन स्कूटी। स्कूटी कोई डिफरेंट तो नहीं है वेट, अगर और वो बाइक बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं तो स्कूटी 1 दिन में बल्कि 1 घंटे में वो बहुत ईजीली रन कर सकती हैं।
कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो घर बैठी हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि वो, आप देखें कि वो फैसलाबाद से बिलोंग नहीं करती, वो किसी और एरिया से बिलोंग करती हैं, तो अगर वो चलाना चाहती हैं तो उनके लिए आप नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करेंगी या कोई इस तरह से कोई टेक्निकल चीज़ें आप बताएं ऑन यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से बताएं और वो उनको पिक करके प्रैक्टिकली वहाँ पर जो है वो घरों में बैठकर सीख सकती हैं? जी बिल्कुल सीख सकती हैं। अगर आपके पास कोई भाई बाबा या आपसे पहले कोई ट्रेनर है तो टेक्निकली चीज़ों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे आप अभी इंटरव्यू ले रही हैं तो आप देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल टेक्निकल फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह ऑन 7 लेक्चर्स में आपका ये कंप्लीट करवा दूंगी कि आपने किस तरह बाइक पे बैठने क्या स्टेप होने चाहिए, फर्स्टली आपको मेंटली कितना प्रिपेयर होना चाहिए और स्पीड से आपको जाना है, बाइक कैसी सेट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built